आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। बच्चों हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ है, रासायनिक बलगत की। बच्चों हमारा जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है अभिक्रिया की दर। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अभिक्रिया की दर क्या होती है। बच्चों ध्यान दीजिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पादक और उत्पादक से अभिकारक बनने में समय के सापेक्ष सांद्रण और समय में परिवर्तन के अनुपात को अभिक्रिया की दर कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत साधारण सी डेफिनेशन है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पादक और उत्पादक से अभिकारक बनने में समय के सापेक्ष, है ना, सांद्रण और समय में परिवर्तन के अनुपात को हम अभिक्रिया की दर कहते हैं। बच्चों इसको समझने के बाद मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो हमारे पास कोई अभिकारक है और वो किसी उत्पादक में बदलता है, तो अभिकारक के सांद्रण को अगर मैं x से रिप्रेजेंट करूं तो परिवर्तन के लिए यहां पे डेल लगा सकते, डेल x अपॉन डेल t। इसी तरह से अगर उत्पादक को मैं डेल x बोलूंगा, ठीक है, तो इसके लिए भी हम लिख पाएंगे डेल x अपॉन डेल t। अब आप बोलेंगे आपने दोनों को एक जैसा ही ले लिया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम अभिकारक बोलेंगे तो अभिकारक को डेल एक्स अपॉन डेल टी लिखेंगे, उत्पादक बोलेंगे तो उत्पादक को भी डेल एक्स अपॉन डेल टी लिखेंगे। बच्चों सबसे महत्वपूर्ण है कि जब अभिकारक उत्पादक में बदलेगा तो जो समय है ना, ये समय अविरल रहेगा, मतलब ये कभी रोकेगा नहीं, ये चलता जाएगा। और अभिकारक जो वो समय के साथ क्या होगा, तो अभिकारक का जो मोलर सांद्रण है ये समय के साथ सदैव क्या होता है बच्चों, घटता है। आपको ये चीज समझना है और यही वजह है कि इसकी जो दर होगी वो सदैव कैसी होगी, ऋणात्मक। जबकि बच्चों जो उत्पादक है ना, तो समय के साथ इसकी जो दर है, ठीक है, वो सदैव क्या होती है, वो बढ़ती है। ये सदैव के साथ समय हमेशा बढ़ेगी। अब अगर ये सदैव समय के साथ बढ़ेगा और इसलिए ये कैसा होगा, हमेशा धनात्मक होगा। यानी आपको अल्टीमेटली सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में जब अभिकारक उत्पादक में और उत्पादक अभिकारक में बदलता है तो अभिकारक की दर सदैव ऋणात्मक होती है जबकि उत्पादक की दर सदैव धनात्मक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो समय है वो अविरल होता है, वो कभी रुकता नहीं है, वो अनवरत चलता रहता है ना, लगातार चलता रहता है। तो सांद्रण में समय के साथ जो अभिकारक का सांद्रण है वो हमेशा घटेगा, इसलिए उसकी दर ऋणात्मक होगी जबकि उत्पादक की दर सदैव धनात्मक होगी। बच्चों सबसे महत्वपूर्ण चीज, मैं अभिक्रिया की दर के बाद आपको दर स्थिरांक के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, इससे पहले आपको बता रहा हूं अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। बच्चों ध्यान से समझिए, कोटि का मतलब होता है घात, है ना, कोटि का मतलब क्या भी होता है, घात भी होता है। तो जब मैं अभिक्रिया की कोटि को, अभिक्रिया की कोटि या घात की बात करूं तो इसको समझिए, बहुत साधारण तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं। रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की वह मात्रा जो वास्तविक रूप से, उत्पादक का निर्माण करती है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझिए, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की वह मात्रा
जो वास्तविक रूप से उत्पादक करने अभिक्रिया की कोटि, वो कहलाती है अभिक्रिया की कोटि। ठीक है बच्चों, यहां पे ध्यान देने वाली बात है, मैं अभिक्रिया की कोटि के आपको प्रकार बता रहा हूं। अभिक्रिया की कोटि के प्रकार बच्चों बहुत अच्छे तरह से याद रखिए, अभिक्रिया की जो कोटि है वो कुल 6 प्रकार की होती है। इसमें सबसे पहली होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया बच्चों। इसमें दूसरी होती है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तीसरी होती है तृतीय कोटि की अभिक्रिया बच्चों, चौथी होती है प्रभाज कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, पांचवी होती है शून्य कोटि की अभिक्रिया, और लास्ट और अंतिम होती है छद्म कोटि की अभिक्रिया। ठीक है तो बच्चों ये हमारे पास कुल 6 प्रकार की अभिक्रियाएं की कोटि होती है। ठीक है, हमको समझना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया कैसे मिलेगी, द्वितीय कोटि की कब मिलेगी, तृतीय कोटि, प्रभाज कोटि, शून्य कोटि और छद्म कोटि, हमको इनको भी समझना है। तो बच्चों यहां पर बहुत ज्यादा ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मान लो मेरे पास कोई अभिकारक है, ठीक है, कोई अभिकारक है और वो उत्पादक बनाता है कोई भी, मैं उत्पादक को अगर महत्व दे दूं कि उत्पादक क्या है, ए है, तो मैं आपको सिंपल तरीके से एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूं जिसको हम कहते हैं दर नियम। तो बच्चों हम इस पर लागू कर देंगे दर नियम को। दर नियम के अनुसार बहुत सिंपल बात याद रखिए, जो दर है वो सांद्रण के क्या होती है, समानुपाती होती है। अगर मैं अभी उत्पादक की दर को रिप्रेजेंट करूं तो ये हो जाएगी क्या, डीए अपॉन डीटी हो जाएगी, ये समानुपाती होगी किसके, ए के। यहां पर अगर ये प्रथम कोटि की है तो इसके पास इसकी पावर 1 होगी, तो हम यहां पर इसकी पावर 1 लगा लेंगे। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा बच्चों, हमको मिलेगा दर समानुपाती सांद्रण, है ना, यही लिखा था मैंने। तो मैंने बोला दर को अपन ने रिप्रेजेंट किया सपोज आर से, ये समानुपाती है ए के मोलर सांद्रण के, इसकी पावर 1, तो मैं आर इज इक्वल टू के ए का ए की पावर 1, तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए मुझे क्या मिल जाएगा, गणितीय रूप। इसी तरह से अगर मुझे दूसरा एग्जांपल लेना है बच्चों, तो मैं द्वितीय कोटि के लिए जब बनाऊंगा तो मैं आपको फिर से बोलूंगा, मान लो मेरे पास कोई अभिकारक है, ठीक है ना, वो उत्पादक में बदलेगा, अगर वो उत्पादक में बदलेगा तो मैं बोलूंगा वो 2A है, ये 2 इसकी पावर में शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर वही दर नियम, ये सांद्रण के समानुपाती होगा। ठीक है, दर को मैं आर बोलूंगा, समानुपाती सांद्रण यानी 2 इसकी पावर, सांद्रण ए उसकी पावर 2, तो आर क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू ए की पावर 2। तो बच्चों ये जो पावर 2 आ रहा है ना, ये हमको बता रहा है कि ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। बच्चों इसी तरह से अगर आप यहाँ पे 3 ले लेंगे तो वो तृतीय कोटि की होगी, आप कोई प्रभाज नंबर ले लेंगे ना भिन्न के रूप में, भिन्नात्मक, तो वो प्रभाज कोटि की अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, जब आप कोई ऐसी कोटि अज्यूम करके चलेंगे जिसकी गणना आप 2 के रूप में करते पर वास्तव में उसकी कोटि कुछ और निकले, 3 निकले, 4 निकले, तो वो छद्म कोटि कहलाएगी। जबकि अगर किसी गैसीय अभिक्रिया के लिए आप अभिक्रिया की कोटि निकालो, और अगर अभिक्रिया की कोटि गैसीय अभिक्रिया की लोगे तो वो हमेशा क्या प्राप्त होगी, आपको शून्य प्राप्त होगी, तो वो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम अभिक्रिया की कोटि को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।